नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरा विश्व जो है इस टाइम कोरोना रूपी महामारी जो है इससे ग्रस्त है, और हमारा देश भी, भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। नियर अबाउट 50,000 के आसपास जो है मामले कोरोना के पॉजिटिव मिल चुके हैं भारत में भी, और दिन ब दिन ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। 2,500 मामले जो है डेली बढ़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा की। हमने पहले भी जो है वीडियो बनाया है और आपको पूर्ण रूप से बताया कि कितने मामले जींद में पॉजिटिव मिले हैं। पहले 6 मामले जो है जींद में मिले थे, फिर 2 मिले और फिर 1 मिला। टोटल 9 मामले जो है जींद में कोरोना के पॉजिटिव मिल चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी 3 मामले और कहाँ मिले हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल का आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं अब जो 3 नए मामले जो जींद में आए हैं। अभी जो है मामले जो है 12 हो चुके हैं जींद में। सूत्रों के हवाले से जो है खबर आ रही है, एक मामला जो है VPO संगतपुरा में जो है मिला है। जुलानी से जो अगला गांव है VPO संगतपुरा, वहाँ पर जो है एक पॉजिटिव कोरोना का पेशेंट मिला है, और 2 मामले जो है VPO छात्र में मिले हैं। जो बेल्ट आती है थुआ छात्र वाली जो बेल्ट है, वहाँ पर जो है 2 मामले जो है कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। तो टोटल मामलों की बात की जाए जींद में अब 12 मामले हो चुके हैं पॉजिटिव कोरोना के। तो जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है। अब दिन ब दिन जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई है, लेकिन आप पूर्ण रूप से जो है अपने आप को सैनिटाइज करके रखें। घर से निकले तो मास्क जरूर लगाएं और डिस्टेंस बना के रखें। आपको पूर्ण रूप से जो है ये हिदायतें जो है बरतनी है और पूर्ण रूप से जो है पालन करना है, तभी जो है आप इस कोरोना रूपी जो महामारी है इससे बच पाओगे। क्योंकि अभी तक इसका कोई परमानेंट जो है वैक्सीन तो नहीं आई है, लेकिन कुछ देशों ने इसका दावा तो किया है कि हमने जो वैक्सीन बना दी है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो है वो मार्केट में भी नहीं आई है। तो इस महामारी से बचने के लिए, कोरोना रूपी जो महामारी है इससे बचने के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करके रखें। बाहर से घर में आए तो पूर्ण रूप से जो है अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज़र से साफ़ करें, और हो सके तो अपने कपड़े भी चेंज करें। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।